इसको चाहिए कि सभी लोग जो हैं विपक्ष के लोग एकजुट रहे, जाएगा। कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहे तो जुड़े ना मुद्दे से, और जितने लोग जुटे हमसे, हम लोग तो जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले थोड़ी। तो चाहिए कि सभी लोग जो हैं विपक्ष के लोग एकजुट रहे, जाएगा। कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहे तो जुड़े ना मुद्दे से, और जितने लोग जुटे हमसे, हम लोग तो जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले तो बिहार के हित के बात है, हम लोग नेता दे देंगे, उसमें क्या है। हम तो चाहिए कि सभी लोग जो हैं विपक्ष के लोग एकजुट रहे, चुनाव तो हम लोग लड़ने नहीं जा। और जाहिर सी बात है, जिस मुद्दे को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, कांग्रेस भी उस बात से सहमत है, तो इसमें इसकी मजबूती के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों की बात है ना। और जितने लोग जुटे हमसे, हम लोग तो जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले थोड़ी ना, हम लोग तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमको कोई इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना, हमको तो पहले भी कभी नहीं रहा, जो लोग गए तो खुद ही ना गए भाई, हम तो फ्रेंडली करते रह गए, लेकिन वो अलग बात है, वो विषय चला गया। लेकिन ये बिहार के हित की बात है, और जब तक सब कुछ विपक्ष एकजुट नहीं नजर आए, कम से कम मुद्दे पर तो हम लोग एक है ना। चुनाव में कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, वो अलग बात है, वो तो आप हम छोड़िए, तो हर गठबंधन में होता है ये बात। अभी आप बोचहा में ही देख लीजिए, एनडीए का एग्जाम्पल क्या हुआ, वहां तो हाईजैकी कर लिया जाता, पार्टी को ही खत्म कर दिया था। अरे ये वाले तो नहीं भाग रहे ना। तो 5 जून को हम संक्रांत समझे 2024 का देश की आरोपी ओर से। आप सबके सब लोगों का चश्मा अलग अलग है, जिसको जैसे देखना आप लोग देखिएगा, लेकिन आप लोगों से यही अपील करेंगे, जो बात हम रखे हैं साइंटिफिक डाटा के हिसाब से, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से, उसको तो जरूर देखिएगा। उम्र जो है उन लड़कों का खत्म, लोग परेशान है। आप देखते नहीं, हम घर में मिलते हैं तो कितने लोग आते हैं, कल ही ना हम पार्टी ऑफिस आए थे, कितने लोग घेर लिए थे। आपको लगा जब देख रहे हैं भाई, डेली लोग आ रहे हैं मिलने, अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग परीक्षार्थी आ रहे हैं, अलग अलग चीजों को लेकर के आ रहे, तो हमारी चिंता बढ़ी है इस बात को लेकर के, सबकी चिंता बढ़ी है, क्या होगा इनके साथ, क्या भविष्य कैसे बेहतर होगा। और वर्तमान को तो बर्बाद कर ही दिया इस सरकार ने, भविष्य को भी बर्बाद करने में लगे हुए। छात्रों का परीक्षा होता है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन जो है 3 साल में पूरा नहीं हो पाता, लाचारी है लोगों की, क्या करेंगे, बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, बिहार का पैसा भी बाहर जा रहा है, मजदूर प्रदान करते हैं, दूसरे राज्य में भी सुरक्षित नहीं होते, कैसे चले गए। तो अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ, लेफ्ट, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, सभी चारों पार्टियां, और जिनको आना है हम सब लोगों को न्योता भेजेंगे। आइए, मुकेश सैनी को न्योता जाएगा। देखिए, कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहे तो जुड़े ना मुद्दे से, मुद्दा को सपोर्ट करते हुए क्या है, तो सब जानते हैं, लेकिन कोई अगर इसका अलग एंगल निकाला जाए, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक नहीं है, प्योर मुद्दा और बिहार की जनहित के बारे में ये सवाल है। बेरोजगारी तो है,